हाँ तो समझने की कोशिश कर ना राधे। राधे देख, यहाँ जो कुछ भी घट रहा है ना, तो उससे वाकिफ है और ना ही अपने आप से वाकिफ है। राधे अभी भी देर नहीं हुई है, अपने आप को जान, अपने आप को समझ। देख राधे, अपने हक, अपने रिश्ते, अपने अधिकार को समझ। जब तक तू अपने आप को नहीं पहचानेगा ना, हम सब के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएगी। दादी हम कुछ समझे नहीं। अपनी दादी की मजबूरी को समझ बेटा, इससे ज्यादा हम खुलकर तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। वैसे भी हमारे हाथ पत्थर के नीचे दबे हुए हैं, इससे ज्यादा लफ्ज नहीं है हमारे पास राधे। इसी में से तुझे मतलब ढूंढ कर समझना होगा। बा क्या समझा रही हैं अपराधी? वही जो आपको समझाते समझाते थक गई। फिर तो आपकी ये कोशिश भी नाकामयाब रही। जब आपकी बात मैं नहीं समझ पाया तो ये बुद्धू कैसे समझेगा? फिर भी कोशिश करूंगी, शायद जाग जाए, क्योंकि दूसरा तो नींद का ढोंग करके सोया पड़ा है, वो तो जागने से रहा। दुख तो इस बात का है कि मुझे आज ठाकुरों की गर्दन शर्म से झुकती नजर आ रही है। एक ठाकुर जिसने अपनी अय्याशी के लिए एक मासूम का सहारा लिया, एक ऐसे मासूम का जो बेचारा रिश्ता बनाना तो जानता है लेकिन रिश्ता निभाना नहीं आता। ये आप क्या कह रही हैं माँ? राधे ही तो है जो मेरी बात समझता है, मेरी बात मानता है। इसकी तरह नमक का फर्ज अदा करने वाला शायद ही कोई और। आप कह रही हैं कि इसे रिश्ते निभाने नहीं आते। आपकी बात नहीं मानता, बल्कि मैं तो कहता हूं एक राधे ही जो इस पूरे घर में समझदार है। आप कभी कभी थोड़ी गलती कर बैठते, इसकी सजा भी इसे देनी पड़ती, लेकिन सजा के तुरंत बाद ये संभल भी जाता। चल तेरी पत्नी को ढूंढते चले। मालिक हम तो मंदिर की तरफ आ गए। राधे तुम इस तरफ जाके देखो, मैं टेकड़ी पर देखता हूं। किसी भी कीमत पर अमूल्य मिलनी चाहिए, किसी भी कीमत पर। तुम बहनों कहां आते हैं?